हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से टॉप 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन स्टूडेंटों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि इस बार बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन है 2016 का फर्स्ट द्वितीय पाली यानी कि सेकेंड सेटिंग में पूछा गया था, वही हम टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन बैग का हम सोल्यूशन करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आपको 2011, 12, 13, 14, 15 का भी आपको वीडियो सोल्यूशन देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लें, ताकि आपको कुछ फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि बिंदु 2, 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी, दूरी बराबर फार्मूला पहले आप लोग को याद करना पड़ेगा, जो कि होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसमें x1 क्या है, x1 2 है, x2 3 है, तो हो जाएगा x2 कितना है, x2 -2 है, तो -2 - -2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, तो 0 लिख दीजिए, और -2 - -2 का यानी कि -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 का रूट निकालेगा तो 4 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 4। फिर कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद x²-x+4 के शून्य अल्फा और बीटा होता, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, मूलों का योगफल बराबर -b/a। इसमें b का मान कितना है, -1, तो -1/1 यानी कि इसका आंसर 1 हो जाएगा। 1 का आंसर 4 और सेकंड का आंसर 1, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, त्रिज्याओं का अनुपात। इस तरह का क्वेश्चन आपको हम बताए हैं कि क्षेत्रफल दिया हुआ हो, अगर त्रिज्या भुजाएं निकालना हो तो अंडर रूट डायरेक्ट कर दीजिए, इसीलिए इसको करना कुछ नहीं है, सिर्फ 4/9 का आप अंडर रूट निकाल दीजिए, तो 2:3 इसका आंसर आ जाएगा, 2:3 इसका आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। sec²θ - 1 बराबर आपको बहुत बार हम बता चुके हैं, पिछले वीडियो में बहुत बार बताए हैं। अगर आप पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, क्योंकि उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, tan²θ। फिर कह रहा है कि एल पैरेलल एम हो तो डी का मान देखिए, अगर ये ऊपर रहता और ये भी ऊपर है तो दोनों को हम बराबर कर देते, लेकिन एक नीचे है और एक ऊपर है, तो पहले हम इसको ऊपर करने के लिए देखिए क्या करेंगे, 3D है ना, 3D + 50, और ये जो एंगल इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, 3D + 50 + x, हम जानते हैं कि एक लाइन पर जो अगर दो एंगल बना तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180° हो जाएगा, तो 3D + 50° + x बराबर कितना जाएगा, 180°। यहाँ से आपका मान हो जाएगा 3D x बराबर कितना हो जाएगा, 180 - 50 यानी कि 130°, अब -3D, अब हो गया ये कितना, 180°-3D। अब ये भी ऊपर में है और ये भी ऊपर में है, तो अब दोनों को अगर बराबर कर देते हैं तो D का मान निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा, ये x है, x का मान है 2D + 20, x का मान 130°-3D और इसका आ जाएगा 2D + 20। तो यहाँ से अगर इसको इधर लाते हैं 20 को इधर, तो 110° हो जाएगा, प्लस से माइनस घटाएंगे और 2D और माइनस में इधर जाता 5D हो जाएगा, तो यहाँ से D का मान आपका 22° हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मिलता है, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 22°। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि ई कोई घटना है तो PE + PE' का मान क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 1। ये फार्मूला भी है, एक तरह से फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं, ये फार्मूला है ही, कर सकते हैं कि ये फार्मूला है ही, तो इसका मान 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है अगर 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7 का बहुलक, इसका सबसे ज़्यादा रिपीटेशन हुआ 7, इसलिए इसका बहुलक 7 हो जाएगा। बहुलक बराबर फार्मूला होता है कि अधिक, जिसका बारंबारता अधिक हो वही हमारा बहुलक होगा। फिर कह रहा 8 नंबर क्वेश्चन में, जब AP के प्रथम पद 2 है, यानी कि किसी भी AP का प्रथम पद यानी कि A = 2 है, प्रथम पद 2 है और सर्वांतर 3 है, सर्वांतर यानी कि D = 3 है, तो AP के 3 पद निकालिए, तो पहला पद A = 2, दूसरा पद A + 2D यानी कि 2 + 3 = 5 और तीसरा पद A + 2D यानी कि 2 + 2 × 3 यानी कि 2×6 = 8, इसलिए इसका प्रथम 3 पद 2, 5, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2, 5, 8,
देख लीजिए, आपको इसको सॉल्व करके दिखाए हैं। प्रथम पद दिया हुआ था और उसका सर्वांतर दिया हुआ था, तो हमें तीन पद निकालना था। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। 2, 5, 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए हम बहुत ही शॉर्ट बता रहे हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता तो हम आपको लॉन्ग भी बताते। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2, 5, 8 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 के साइन 45° माइनस कॉस 45° का मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान बराबर होता है। साइन 45 का भी मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान 1/√2, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि कौन थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाय 360 × π² थीटा बाय 360 × π², इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मूल बिंदु से 3 − 4 की दूरी, 3 − 4 की दूरी, तो देखिए मूल बिंदु तो हो जाएगा 0 और दूसरा क्या है 3 − 4, दूरी बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं कि x1 − x2 − x1² प्लस y2 − y1² इसमें हमारा x1 ये है y1 x2 y2, तो यहाँ से हो जाएगा 3 − 0² प्लस −4 − 0² यानी कि 9 + 16 यानी कि 25 √, यानी कि 5 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर 5। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 11 का 5 होगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि 2, 5, 8, 11 का नौवां पद, तो आपको नौवां पद निकालने कह रहा है, यानी कि an बराबर a + n − 1 × d फार्मूला होता है। नौवां पद यानी कि a + 9 − 1 × d यानी कि a + 8 d का मान क्या होगा, तो a + 8 d यानी कि a का मान यहां से आपका 2 है और d का मान 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो 2 + 8 = 24, 8 + 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, इसका आंसर 26 हो जाएगा। फिर है वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न सीमा हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा निम्न सीमा। फिर कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्यतम बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समान लंबाई को दे, क्या होते हैं समान लंबाई की होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 14:9 है, तो इसके त्रिज्याओं का अनुपात, क्षेत्रफल दिया हुआ त्रिज्या पूछ रहा है, तो डायरेक्ट इसको अंदर रूट कर देंगे 14/9, तो यहाँ हो जाएगा √14/3, √14/3। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 के, यदि 3√3 tan θ = 1 कितना है, √√3 tan θ = 1, तो tan θ = हो जाएगा 1/√3 और यहां से आपका मान निकल जाएगा θ = हम जानते हैं क्योंकि कि tan 30° का मान 1/√3 होता है, इसलिए θ = 30° हो जाएगा, इसका आंसर 30° हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यदि द्विघातीय समीकरण इतना दिया हुआ है तो α + α² + β² देखिएगा, α² + β² और हम लिख सकते हैं कि α + β² − 2α × β, क्योंकि हम जानते हैं कि a² + b² फॉर्मूला होता है a + b² − 2ab, इसलिए α + β जो मूलों का योगफल होता है, तो मूलों का योगफल फॉर्मूला होता है −b/a² − 2α × β यानी कि 2 × c/a, मूलों का गुणनफल c/a, तो यहाँ से हो जाएगा आपका b² / a² − 2c/a। यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो a² हो जाएगा, a² यानी कि b² − a से यानी कि 2ac, यानी कि b² − 2ac/a² होगा। अब देखिएगा क्या चीज़ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना था, किधर गया, क्वेश्चन नंबर 17 था। अब देखिएगा a बराबर कितना है, a बराबर c है, b = -b है, b = -b और c = a है, c = a है। देखिएगा a = c है, तो सबसे पहले एक जगह c² हो जाएगा, फिर b = -b, तो जस का तस रहेगा b², फिर है 2, एक जगह c और c की जगह a, तो इसका आंसर हो जाएगा b² − 2ca/c². 17 का है आंसर हो जाएगा b² − 2ca/c²,
17 का आंसर जाएगा बी स्क्वायर माइनस टू सी बाई सी स्क्वायर। इस तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि 2 थीटा बराबर पाई बाई थ्री। 18 में कहा गया है कि 2 थीटा बराबर पाई बाई थ्री। पाई बाई थ्री किसको कहेंगे? 60 डिग्री को। तो थीटा बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। अब फिर क्या कह रहा है कि साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, यानी कि 18 का आंसर 1/2 हो जाएगा। 1/2 है, 1/2। कार्तिल तल में किसी बिंदु 4-5 के कोटि का मान यानी कि बाई का मान कितना है? -5, इसीलिए इसका मान हो जाएगा -5। अगर भुज पूछता तो 4 हो जाता। फिर कह रहा है एक समांतर श्रेणी में 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर, सर्वांतर यानी कि सेकंड पद माइनस पहला पद यानी कि 10 में 4 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। इस वीडियो में हम आप लोगों को 2016 के टॉप 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को अगर इस वीडियो पसंद आया हुआ यह वीडियो मेरा, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।